रेमंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। बीते हफ्ते दोनों के बीच तलाक की खबरें आई थी। शादी के 32 साल बाद गौतम सिंघानिया तलाक लेने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी नवाज मोदी ने तलाक के लिए भारी भरकम शर्त रख दी है। शर्त के मुताबिक नवाज ने गौतम सिंघानिया की कुल नेटवर्थ का 75% हिस्सा मांग लिया है। आपको बता दें कि ये वही नवाज मोदी हैं जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बीते हफ्ते वायरल हो रहा था। इस वीडियो में नवाज मोदी सिंघानिया हाउस के बाहर जमीन पर बैठी नजर आ रही थी। नवाज का आरोप है कि पहले तो उन्हें दिवाली की पार्टी में बुलाया गया, लेकिन जब वो पहुंची तो उन्हें गेट के अंदर तक नहीं घुसने दिया गया। बहरहाल अगर हम बात करें गौतम सिंघानिया की नेटवर्थ की, तो उनकी नेटवर्थ $1.4 अरब यानी तकरीबन 11,660 करोड़ रुपए है। इस लिहाज से नवाज मोदी ने तलाक के एवज में सिंघानिया परिवार से 8,745 करोड़ रुपए की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवाज मोदी ने ये रकम अपनी दो बेटियों निहारिका और नीसा के लिए मांगी है। वहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि गौतम सिंघानिया इस मांग पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति का यह हिसाब किताब सीधे सीधे नहीं होगा, बल्कि उन्होंने एक फैमिली ट्रस्ट बनाने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि इसी ट्रस्ट के पास परिवार की सारी संपत्ति और एसेट का मालिकाना हक होगा। गौतम सिंघानिया इस ट्रस्ट के इकलौते ट्रस्टी होंगे। उनकी मौत के बाद उनके परिवार के सदस्यों को इसका वसीयतनामा बनाने का हक होगा। हालांकि नवाज मोदी इस शर्त पर राजी होंगी, ऐसी उम्मीद ना के बराबर मानी जा रही है। बता दें कि रेमंड ग्रुप के अंदर पहले से कई ट्रस्ट बने हुए हैं। इनमें जेके ट्रस्ट और श्रीमती सुनीता देवी सिंघानिया हॉस्पिटल ट्रस्ट शामिल है। इनके पास रेमंड लिमिटेड की 1.4% की हिस्सेदारी है। गौतम सिंघानिया इन ट्रस्ट के चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जबकि नवाज मोदी सिंघानिया भी इनमें से एक ट्रस्टी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खेतान एंड पार्टनर के एच खेतान को इस पूरे मामले में गौतम सिंघानिया का लीगल एडवाइजर बनाया गया है, जबकि मुंबई की रश्मिकांत नवाज की वकील बन सकती है। ट्रस्ट बनाने से जुड़े कानून के मुताबिक किसी ट्रस्ट को चलाने के लिए 3 मुख्य पार्टी होती है। इनमें एक ट्रस्ट के सेटलर, एक ट्रस्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है, और एक लाभार्थी होता है। इन तीनों का अलग होना जरूरी है और एक ही शख्स ये तीनों पद नहीं संभाल सकता। इसलिए कानून के जानकारों का कहना है कि गौतम सिंघानिया का फैमिली ट्रस्ट बनाकर अकेले चेयरमैन और ट्रस्टी बने रहना मुश्किल हो सकता है। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।